गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 31 जनवरी बुधवार 2024, श्री शुभ संवत 2080, शक संवत 1945, माघ महीना अंधेरा पार पंचमी तिथि। सूर्य मकर राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, हस्त नक्षत्र रात 9:43 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशा सोल उत्तर दिशा, परिहार धनिया। कहने का मतलब ये है कि आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तब आप क्या करेंगे? अगर आज आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक है तो धनिया खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल दिन में 10:30 से 12 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 7:30 से 9 बजे। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम या यात्रा का आरंभ राहु काल में शुरू किया जाता है में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से राशि ज्ञात करिए। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो आप घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। देखो भैया, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्र और प्र से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे प्रवीण कुमार, प्राण। अब आप क्या करेंगे? तो प्रा को आप पास से देखें। कहने का मतलब यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें, ठीक है ना? इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता और त्रा से भी तमाम लोगों के नाम हैं, जैसे त्रियुगी, त्रिलोकी। अब आप क्या करेंगे? तो त्रा को आप ता से देखें। कहने का मतलब यह है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरह से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा भी होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि ज्ञानचंद, ज्ञानेंद्र। अब आप क्या करेंगे? तो भैया ज्ञा को आप गा से देखें। कहने का मतलब है ज्ञा को आप मकर राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्रा भी होता है और स्रा से भी बहुत लेडीज और बहुत से जेंट्स का नाम है, जैसे कि श्रेया, श्री राम। अब आप क्या करें? तो भाई स्रा को आप सा से देखें। कहने का मतलब स्रा को आप कुंभ राशि में देखें।
अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा तथा जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको दिक्कत होने के योग दिखाई दे रहे हैं। माता को भी कष्ट होगा। विशेष उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। टोरा यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा है, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान को सुख प्राप्त होगा, भाई बहन का भी सहयोग आपको मिलेगा, साहस आपका ऊंचा रहेगा। विशेष उपाय, अपनी जेब में सफेद कलर की रुमाल रखें, मिथुन यानी जेमिनी, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए लकी है, माता और पिता दोनों का सुख आपको मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का लाभ भी होगा। विशेष उपाय, भोजन में हरी मूंग शामिल कर लें। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज दिन अच्छा है, धार्मिक कामों में मन लगेगा, भाग्य साथ देगा, मन खुश रहेगा, रुके हुए कामों में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज आपको नुकसान होने के योग ज्यादा, इसलिए सावधान रहिएगा, धन का खर्चा भी बढ़ेगा। विशेष उपाय, तांबे के लोटे में रोली डालकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाइएगा। वर्गो यानी कन्या, कन्या लग्न राशि के जातकों आज दिन अच्छा है, धन लाभ होने के योग दिख रहे हैं, मन खुश रहेगा, रोजगार में भी लाभ होगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा। विशेष उपाय, अपने पास हरे रंग की रुमाल रखें। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज फिजूल खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा, पिता को सुख मिलेगा, रुके हुए सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपनी पत्नी पे भरोसा रखिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज के दिन आपके लिए शुभ है, धन लाभ होगा, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, धार्मिक कामों में मन लगेगा, विद्यार्थियों को विद्या का लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, सुंदर कांड का पाठ करें। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों आज पुरुषों की शक्ति को नुकसान पहुंचेगा, आयु को भी नुकसान पहुंचेगा, माता को सुख मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, पिता से मतभेद होने के योग है। विशेष उपाय, अपने पति का सम्मान करें। कैपिकार्न यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए लकी है, भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में मन लगेगा, रोजगार में भी लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर से भी आपके जो है विचार मिलेंगे तथा भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, काले तिल का दान करें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं, सावधान रहिए,
दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। नुकसान धन का होने का योग दिख रहा है। परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं। विशेष उपाय, जूते चप्पल का दान करें। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जात को आज रोजी रोजगार में लाभ मिलेगा। पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा। विद्यार्थियों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा। मन खुश रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा। विशेष उपाय, अपने पति पर भरोसा रखें। अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तब आप क्या करें? अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तब आप क्या करें? हमसे संपर्क करके निःशुल्क अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो है। आवश्यक सूचना अस्त्रे का परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। मोबाइल नंबर 9807225523, व्हाट्सएप नंबर 9807225523, यानी दोनों नंबर एक ही है। जय माता दी।